Hello students, today we are going to start a new topic, climate of India. तो किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए we need to know about the factors, वो factors जो affect करते हैं क्लाइमेट को. So the first factor affecting the climate of India is its location. It is very important that location of a place affect its climate. The reason is the latitudes which are passing through that particular place, they have an effect as the different heat zones are there. So India, if we see, the Tropic of Cancer is passing from the center. So northern part lies in the temperate zone and the southern part of India lies in the tropical zone. जैसा कि हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो इंडिया को ये क्लाइमेटिकली डिवाइड कर देता है, दो हिस्सों में बांट देता है. और क्लाइमेटिकली डिवाइड होने के बाद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन, और वी कैन से इट एक्सपीरियंस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो इक्वेटर के नज़दीक है वो ट्रॉपिकल जोन में है, इसलिए इट एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट. And if we see the latitude passing from the southern part of India, it is 8 degrees 4 minutes north, which is very close to the equator. Now, the next factor is the location where the water bodies also play a very important role. India ke agar hum log location ko position ko dekhe, to it is surrounded by the water bodies. और वी कैन से कि पूरा साउथ इंडिया जो है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बिकॉज इट्स अ पेनिनसुला. और ये भी एक क्लाइमेटिक कंट्रोल की तरह काम करता है. तो ये कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है? सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग टू द सेंटर. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नदर्न पार्ट में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और सदर्न पार्ट पे ट्रॉपिकल. तो ऐसा कहा जा सकता है कि सदर्न पार्ट का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो इक्वेटर के नज़दीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. नॉर्थ और साउथ इंडिया में टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता. रीज़न इज द ओशनिक इन्फ्लुएंस. साउथ इंडिया ओशन के इन्फ्लुएंस में आता है. इट एक्सपीरियंस मेरी टाइम क्लाइमेट और इक्वेबल क्लाइमेट, जबकि नॉर्थ इंडिया एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. द रीज़न इज नॉर्थ इंडिया इज़ फार फ्रॉम द effect of the ocean, whereas South India is, it lies, it's surrounded by ocean from all sides. That's why it experiences maritime climate or the influence of the sea. यहाँ पे land breeze और sea breeze climate को बहुत effect करते हैं. South India में summers are not very hot, winters are not very cold. तो South India में sea से घिरे होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, जबकि नॉर्थ इंडिया जो सी से काफ़ी दूर है यहाँ टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है. इसीलिए नॉर्थ और साउथ इंडिया में टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता. सो आई होप चिल्ड्रन ये क्लियर है. आगे देखते हैं. सो यू कैन सी द शेप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. साउथ इंडिया काफ़ी नैरो हो जाता है, इसके कारण भी ये ओशन के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आता है और यहाँ का टेम्परेचर इक्वेबल रहता है. सो चिल्ड्रन, इट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कैसे साउथ इंडिया का शेप जो है वो ओशन के इन्फ्लुएंस में वो आ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप, नैरो शेप. नॉर्थ में जो है काफ़ी वाइड है, जबकि साउथ में वो काफ़ी नैरो हो जाता है. इसीलिए इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. Now, the concluding statement is that because of the oceanic influence, in spite of having tropical climate, South India ka temperature control mein rehta hai. Na to wo bahut zyada hota hai, na to bahut kam. Jabki North India, because of being far from the sea, yahan ke temperature mein kaafi difference hota hai. So, this is how North India and South India, they do not have much difference in temperature, in spite of being in two different heat zones. Now let's come to the unifying factor, monsoon.
मॉनसून का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के क्लाइमेट में, और हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज हैविंग अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ एक्सपीरियंसिंग टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मॉनसून विच इज अ सीजनल विंड, दिस हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट, क्योंकि मॉनसून पूरे कंट्री में बारिश लेकर आता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर, बट इन अ पर्टिकुलर सीजन. सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि क्लाइमेट को, इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. मॉनसून एक अरबिक वर्ड है से आया है, जिसका मतलब जिस जो वर्ड है मौसम, और इसका मीनिंग है सीजन. मौसम का मीनिंग है सीजन. मॉनसून का बड़ा यूनिक नेचर है. इट किसी एक सीजन में इट ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड, और दूसरे सीजन में इट ब्लोस फ्रॉम लैंड टू सी, एंड इट हैज़ एन इफेक्ट फॉर ऑलमोस्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. यानी इंडिया में वो बहुत एक साल में कई बहुत लंबे समय तक इंडिया में प्रिवेल करता है. सो इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. सी, मॉनसून अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जाना जाता है. ये है साउथ वेस्ट मॉनसून, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंटर करता है फ्रॉम सी टू लैंड, और वही दूसरे सीजन में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बनकर वो लौटता है फ्रॉम लैंड टू सी. सो दिस इज हाउ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन. इफ यू सी दिस मैप, इस मैप में क्लियरली दिखाया गया है कि ये सी से लैंड की तरफ बढ़ रहा है मॉनसून, और दूसरे सीजन में वो लैंड से सी की तरफ बढ़ रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस, मॉनसून इट ब्रिंग्स रेनफॉल throughout the country, and therefore climate of India is termed as a tropical monsoon climate. No doubt tropical region mein India lie karta hai, tropical and subtropical region mein uska effect hai, aur monsoon ka bhi hai. So we cannot separate monsoon from the climate of India, so we call it tropical monsoon climate. So students, that's all about the factors affecting climate of India. Thank you.